सामान्य ज्ञान हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों आप सभी विंडोज इंस्टॉल करते हैं, लेकिन जब कभी हमें प्रॉब्लम आ जाती है इस सीडी डीवीडी ड्राइवर इज मिसिंग, तो इस एरर को ट्रबल शूट करना मुश्किल होता है। तो आज मैं आपको इसी एरर के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इस एरर को हम कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं और बड़ी आसानी से कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक टूल की आवश्यकता होगी, यानी कि ड्राइवर। ये इशू हमें तब गेट होता है जब विंडोज 7 में USB 3.0 के ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होते हैं और हमारा सिस्टम जो है वो हार्ड डिस्क को डिटेक्ट नहीं करता है और हमें एरर मिलता है ए सी डी डी वी डी ड्राइवर इज मिसिंग। तो हम इस एरर को ट्रबल शूट करने के लिए सबसे पहले गूगल पर जाएंगे, वहाँ पर टाइप करेंगे सर्च बॉक्स में Win7 क्रिएटर यूटिलिटी। ये देखिए जैसा मैंने टाइप किया था, ओके कर दिया। आपके यहाँ पर देखिए डाउनलोड विंडोज 7 USB 3.0 क्रिएटर यूटिलिटी, हमें इस पर क्लिक करना है। इंटेल की साइट है ये, यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। देखिए Win7 USB 3.0 क्रिएटर वर्जन 3 zip, मैं इसे क्लिक करता हूँ। आई एक्सेप्ट करना है आपको, अभी ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। जस्ट देखिए फाइल डाउनलोड हो चुकी है, ओपन फोल्डर कर रहा हूँ और ये फाइल्स हैं हमारी। सपोज दैट आपका ये सिस्टम है और आपको जहाँ पर रखना है फाइल, आप बड़ी आसानी से रख सकते हैं। इसे हम सी ड्राइव में रखेंगे, सी ड्राइव में से हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। और आमतौर पर इसे हम सी ड्राइव में इसलिए रखते हैं कि हमें बड़ी आसानी से गेट हो जाती है। फोल्डर का नाम विंडोज 7 यूएसबी 3.0 क्रिएटर यूटिलिटी है। ओके, पैसेट को प्रयोग करके बड़ी आसानी से इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो फाइल आपको जो कॉपी करनी है वो वर्किंग विंडोज 10 की जो एक्सपी पार्टीशन है वहाँ पर आपको इसको कॉपी करना है। आप चाहें तो इसे डी ड्राइव में भी रख सकते हैं। ओके, तो ये स्टार्टअप की प्रक्रिया है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी सीडी हमने डाल दिया सिस्टम में और इंस्टॉलेशन चल रही है। विंडोज इज लोडिंग फाइल्स इट्स शोइंग। और आपको ये जो एरर है इसको ट्रबल शूट करने के लिए सर्च फाइल वहाँ पर कॉपी कर देनी है जैसा कि पीछे बताया गया है। और यदि आपको ये फाइल्स यहाँ पर शो नहीं हो रही हैं या फिर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं जो कि मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, जो कि हिडन बूट सीडी के नाम से है, कि आप उसे कैसे क्रिएट करते हैं और उसका यूज़ कैसे करते हैं। यदि आपका सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है फिर भी आप फाइल बड़ी आसानी से डिजेड ड्राइव में फ्रेंड्स स्टार्टिंग विंडोज का आइकॉन है हमारे पास, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल क्लिक पे करने के बाद अभी हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कीजिए। अब हमारे पास एरर आ गया, सीडी डीवीडी ड्राइवर इज मिसिंग। तो आइए इसे ट्रबल शूट करते हैं। ट्रबल शूट करने के लिए तो फ्रेंड सबसे पहले ओके पे क्लिक कीजिए, देन आपको ब्राउज पे क्लिक करना है। फिर दोबारा से ओके, देन ब्राउज पे क्लिक कीजिए। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आपका डिजायर्ड पैथ यानी कि जहाँ पर आपने फाइल कॉपी की थी, जैसा कि मैंने सी ड्राइव में कॉपी की थी तो मैं सी ड्राइव चूज करूँगा। सी ड्राइव में जाने के बाद हम Win7 जो क्रिएटर यूटिलिटी है वहाँ पर जाएंगे और उसमें हम ड्राइवर्स चूज करेंगे। और ड्राइवर्स के बारे में जो चूज करना है वो है, यहाँ पर दो चीज़ें दी हैं, एक X64 है और एक X86 है। यदि हम 32-bit में इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमें X86 का चुनाव करना चाहिए, यदि हम X64 कर रहे हैं तो 64 का चुनाव करेंगे। आप डिजिट पैथ देके सिर्फ ओके कर दीजिए। उसके बाद ऊपर USB 3.0 करके एक ड्राइवर आ गया है जो कि इंस्टॉल करने के लिए हम ओके पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉलेशन प्रक्रिया चालू हो जाएगी। और एक बार जब इंस्टॉल हो जाएगा तो अभी हमें एक एरर मिलेगा कि देयर इज नो ड्राइवर फाउंड हो गया, लेकिन इंस्टॉल होने के बाद हमें एक एरर दोबारा मिलता है। अभी देखते हैं क्या एरर है। कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास फिर दोबारा से एरर आ गया है, नो न्यू डिवाइस कुड बी फाउंड। तो अभी हमें वही प्रक्रिया जो हमने पहले की थी सेम प्रक्रिया एक बार दोबारा से दोहरानी होगी, बट थोड़ा सा अंतर होगा। वो क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। ओके, अगेन
ब्राउज पे जाएंगे, पैथ चूज करेंगे जो हमने पैथ दिया था, जो हमने पाथ दिया था उसे चूज करेंगे, विन 7 है, ओके चूज किया, USB drivers, X64 दोबारा से मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके। अभी देखिए यहाँ पर दो आ गए हैं, एक Intel R USB 3.0, अगर अभी आप नेक्स्ट कर देंगे तो देखिए मैं नेक्स्ट करता हूँ, क्या होता है हमारे पास फिर वही मैसेज आ जाएगा जो पहले अभी हमने मैसेज गेट किया था। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमें जो Intel R USB 3.0 रूट हब है इसे सेलेक्ट करना है सेकेंड टाइम पे। देखिए दोबारा से मैसेज आ गया, आप सोचेंगे कि इस तरह से इंस्टॉल नहीं होगा, आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको ये USB 3.0 रूट हब को सिलेक्ट करना है, देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक किया, हमारे पास में आ गए प्लीज रीड लाइसेंस, मैंने एक्सेप्ट क्लिक किया और आप देख सकते हैं जो मेरी हार्ड डिस्क थी वो यहाँ पर शो हो रही है, और इससे पहले मैं एरर भी खुल जाता, तो इस तरह से हम इसको रिजर्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।